नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्पेशल ओकेशन चिकन। ये चिकन आप कोई भी स्पेशल ओकेशन में बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे कि बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, कोई ख़ास गेस्ट आया हुआ होगा, फिर भी आपको जिस दिन आपके लिए स्पेशल हो उस दिन आप बना सकते हैं। इसके लिए हमने 2 kg चिकन लिया है, ये देखिए 100 ग्राम दही लिया है, हमने मेट्रो का दही लिया है, कोई चीज़ का भी दही ले सकते हैं, दही फ्रेश होना चाहिए। हमने कुछ मसाले लिए हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, ये देखिए 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। हम सारे मसाले को इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम दही और सरसों तेल को डाल के अच्छे से मिला के 15 मिनट तक ढक के रख देंगे। ये हमारी दही है, इसको भी डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी जमी हुई है, निकल गई, हम चम्मच से निकाल लेंगे। देखिए हम दही डाल दिया है, दही डालने से चिकन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, चिकन पूरा जूसी हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए हमने सरसों तेल को भी डाल दिया है, अब इन सबको हम मिला लेंगे। हमने हाथ को अच्छे से साफ कर लिया पहले से, देखिए आधी कर लीजिएगा, हाथ से अच्छे से मिला लें इन सबको। ये देखिए हमने सबको मैरिनेट कर लिया है, अच्छे से मिला लिया, देख सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला देंगे, इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। ठंडा का मौसम है, हम फ्रिज में नहीं डालेंगे, यदि गर्मी का मौसम रहेगा तो फ्रिज में डाल दीजिएगा। हमने 600 ग्राम प्याज लिया है, इसको पतले पतले टुकड़ों में काट लेना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए हमने प्याज को कट कर लिया है इस तरह से। आप खट्टा दही का यूज़ कीजिएगा, हमने खट्टा दही का यूज़ किया है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। ये देखिए हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, हमने चाय का कप से 2 कप तेल लिया है, सरसों तेल का से हम बना रहे हैं। आप जो तेल का इस्तेमाल करते हैं उससे बनाइएगा, लेकिन सरसों तेल से ज़्यादा टेस्टी होती है, इसलिए हमने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 4 से 5 तेज़पत्ते डालेंगे। ये देखिए हमने 4 से 5 तेज़पत्ते लिए हैं, इतना बड़ा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 5 इलायची ली है छोटी इलायची, और 6 से 7 लौंग लिया है। लौंग और इलायची को तो क्रश कर देंगे ऐसे करके, इलायची को भी कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम अपने थोड़े से गर्म मसाले खड़े और तेज़पत्ता डाल देंगे। देखिए तेल हमारे कितने अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम खड़े मसाले डाल देंगे, उसे 10 सेकंड पकने देंगे, फिर प्याज डालेंगे। 10 सेकंड हो चुका है, अब हम प्याज डाल देंगे, उसे काट के रखेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, बीच बीच में हम प्याज को फैलाते रहेंगे, वरना हमारे प्याज अंदर से इस तरफ से गल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने 25 से 30 लहसुन की कलियाँ लिए हैं, इतने आधी लिए हैं, और 6 हरी मिर्च लिए हैं, क्योंकि हमने लाल मिर्च का उपयोग उसमें किया है चिकन मैरिनेट में। यदि आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा, इन सब का पेस्ट बनाना है हमको। देखिए हमने यहाँ 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च का भी उपयोग किया है, इसको बहुत कोई गोलकी भी बोलता है, इसका भी पेस्ट बना लें सबको साथ में मिला कर। लहसुन का छील के पेस्ट बनाइएगा। देखिए हमारा प्याज नहीं हुआ है, बीच में एक बार चला देंगे। ये देखिए हमारा प्याज पूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें अपना मैरिनेट चिकन डाल देंगे। ये देखिए मेथी वाले डाल देंगे, और इसको तेज आंच में 15 मिनट तक पकाएंगे, इसमें जब पानी निकलेगा जब तक ये पानी सोख ना लो, 10 से 15 मिनट पकाएंगे, फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे, 10 से 15 मिनट के बीच में पकाएंगे। ये देखिए आप चिकन को बीच बीच में चला करिएगा, वरना चिकन अंदर से चिपक जाएंगे। ये देखिए और वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि हम किस टाइप से बनाएंगे, हमारा चिकन के साथ आपका चिकन नहीं बन पाएगा। ये हमारे मसाले हैं, ये देखिए ये हमारे आधी लहसुन, हरा मिर्च, काली मिर्च का पेस्ट है। देखिए 2 बड़ा चम्मच चिकन मसाला लिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, क्योंकि हम चिकन मैरिनेट के समय भी मसालों का उपयोग किए हैं, इसलिए हमको ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, इन सबको हम एक साथ में मिक्स करके 1/2 कप पानी डाल के 5 से 10 मिनट के बीच में रखेंगे। हमारा चिकन 10 मिनट हो चुका है, और 5 मिनट हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम मसाले डालेंगे। ये देखिए हमने सारे मसाले को भिगो के रख दिया है। हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, इसको काट लेंगे, इसका प्यूरी नहीं बनाना है।
ये देखिए 15 मिनट हो चुका हमारा चिकन। अब हम इसको अपना मसाले ऐड कर देंगे, मसाले ऐड कर देंगे इसमें। नमक ऐड करेंगे, नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, नमक अपना टेस्ट के हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। ये देखिए हमने नमक और मसाले मिला लिए हैं। अब इसको हम 15 मिनट तक फिर फ्राई करेंगे, जब तक हमारे मसालों में से तेल ना छोड़ लें। फ्लेम को मीडियम में रखेंगे और हमारे मसाले जल जाएंगे। ये देखिए इसमें अपना कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे, इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और 15 मिनट तक छोड़ देंगे मीडियम आंच पे। ये देखिए 15 मिनट हो चुकी है, लगभग हमारा चिकन बन के रेडी है। लेकिन हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, हमको पानी ऐड नहीं करना है। आप चाहे तो हल्का सा पानी ऐड कर लीजिएगा। अब हम एकदम लो फ्लेम पे कर दिए, एकदम लो फ्लेम कर दिए हैं। अब हम और 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे मसाले और भी अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखिए देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा बना है। देखिए अभी हम इसमें एक चम्मच देसी घी ऐड करेंगे, एक बड़ा चम्मच। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो ऐड कीजिएगा, नहीं है तो मत कीजिएगा। लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, यदि आपके पास होगा तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही बनाइए, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए, ये देखिए हमें यहाँ पर देसी चिकन घी क्या है, ये पूरा मेल्ट हो चुकी है। अब इसको मिला लेंगे और 5 मिनट इसे लो फ्लेम में रहने देंगे, उसके बाद हम इसे उतार देंगे। देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। ये देखिए हमारा चिकन बन के एकदम रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।